Hi friends, this video is prepared by Richa Giri from Easy Learning Learn and Grow. Please like, share and subscribe the video. Theory of Cognitive Development Part 7. Concrete Operational Stage. ये third stage है cognitive development का. तो ये stage start होता है 7 years से और 11 years तक ख़त्म होता है, मतलब early adolescence तक ख़त्म हो जाता है. तो अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम देखते हैं. ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स. इस स्टेज में जो चाइल्ड है वो लॉजिकली थिंकिंग स्टार्ट करता है, तर्कात्मक सोच उसमें डेवलप होने लगती है. और वो किसके लिए? तो कॉन्क्रीट इवेंट्स के लिए. कॉन्क्रीट इवेंट्स क्या है? वो इवेंट्स जिसे हम सेंस ऑर्गन्स द्वारा फील कर सकते हैं, जैसे आईज से देख सकते हैं, नोज से स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्किन से फील कर सकते हैं, ईयर से सुन सकते हैं. तो वो सारे इवेंट्स जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है उसे हम कॉन्क्रीट कहते हैं, जो कि हम फील कर सकते हैं. तो जो चाइल्ड है वो लॉजिकली थिंकिंग केवल इन सारे इवेंट्स में करता है, न कि एब्स्ट्रैक्ट इवेंट में. दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, दैट द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ शॉर्ट वाइट कप इज इक्वल टू दैट इन अ टॉल स्किनी ग्लास फॉर एग्जाम्पल. तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन है जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज था, इससे पहले वाला स्टेज उसमें ये डेवलप नहीं हुआ था. पर जो चाइल्ड होता है 7 से 11 ईयर्स के बीच में उसमें ये डेवलप होने लगता है, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है. तो जीन प्याजे का कहना है कि अगर, जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दो कंटेनर में रखा हुआ है और फिर दोनों कंटेनर में से किसी और शेप के कंटेनर में रखा जाता है, जैसे एक कंटेनर से एक ऐसे कंटेनर में रखा जा रहा है जो कि लॉन्ग है, टॉल है, और दूसरे कंटेनर से एक ऐसे कंटेनर में रखा जा रहा है जो कि वाइड है और शॉर्ट है, तो चाइल्ड वो लॉजिकली समझ लेगा देखकर कि दोनों में इक्वल वाटर है. वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की तरह कंफ्यूज नहीं होगा कि जो ग्लास देखने में लंबा है जिसमें पानी का लेवल अधिक है उसमें पानी अधिक होगा, बल्कि वो अपनी लॉजिक से वो देख लेगा कि जिस दोनों ग्लासेस में इक्वल वाटर है. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन में जो चाइल्ड है वो एक साथ दो तीन चीज़ों को, दो तीन एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करता है इस एग्जांपल के थ्रू, जैसे साइज ऑफ ग्लास को ऑब्जर्व कर रहा है, लेवल ऑफ वाटर को ऑब्जर्व कर रहा है, और वो समझ जा रहा है कि दोनों में इक्वल वाटर है. तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, जो कि किस में डेवलप हो रहा है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो रहा है. देयर थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड बट स्टिल वेरी कॉन्क्रीट. जो चाइल्ड की थिंकिंग है वो काफ़ी लॉजिकल हो जाती है और ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, लेकिन ये इसमें एक ये लिमिटेशन है, ये ड्रॉबैक है, ये खामी है कि वो जो थिंकिंग है, जो जहाँ लॉजिक वो अप्लाई कर रहा है वो केवल कॉन्क्रीट इवेंट्स के लिए है. चिल्ड्रन बिगिन यूजिंग इंडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू अ जनरल प्रिंसिपल. जो चाइल्ड है वो इंडक्टिव लॉजिक यूज़ कर रहा है. इंडक्टिव लॉजिक में क्या होता है? पहले स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेना, फिर उसे जनरलाइज करना. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक चाइल्ड ब्लैक क्रो देखता है एक दिन, दूसरे दिन वो दूसरा ब्लैक क्रो देखता है, ऐसे वो लगातार दो तीन दिन तक ब्लैक क्रो देखता है. तो ये उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है रोज़ रोज़ की. उसने फिर एक जनरल टेंडेंसी बनाई क्रो के लिए कि क्रो ब्लैक होता है. तो पहले स्पेसिफिक था उसकी टेंडेंसी, उसने एक एक को देखा, उसके मन में कुछ था कि हो सके क्रो किसी और भी कलर का हो, बट उसने हमेशा क्रो को ब्लैक पाया. तो उसने ये थिंकिंग को जनरलाइज कर ली कि जहाँ भी जो क्रो है वो ब्लैक होता है. एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक राम है, वो श्याम से 100 रुपीज़ लेता है 10 दिनों पहले और उसे लौटाता नहीं है. फिर
5 दिनों पहले उसने 200 रुपीज़ लिया, उसने उसे लौटाया नहीं। और फिर राम 2 दिन पहले श्याम से 50 रुपीज़ मांगता है। तो श्याम ने ये थिंकिंग डेवलप कर ली है कि जो राम है उसे पैसे नहीं लौटाएगा। तो जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन था राम का कि वो बार बार पैसे ले रहा है लेकिन लौटा नहीं रहा है, फिर श्याम ने एक जनरल प्रिंसिपल बना लिया श्याम के लिए कि ये पैसे नहीं लौटाएगा। तो इसे हम इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। द ईगो सेंट्रिज्म ऑफ द प्रीवियस स्टेज बिगिन टू डिसअपीयर एज किड्स बिकम बेटर एट थिंकिंग अबाउट हाउ अदर पीपल माइट व्यू अ सिचुएशन। जो किड्स हैं उनमें ईगो सेंट्रिज्म जो है वो डिसअपीयर होने लगता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, जबकि प्री ऑपरेशनल में ये सिम्टम्स उनमें था। वो दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों के सिचुएशंस को वो नहीं समझ पाते थे, बट इस स्टेज में वो दूसरों के सिचुएशंस को समझते हैं। तो उनमें जो ईगो सेंट्रिज्म है वो ख़त्म होने लगती है इस स्टेज में। वाइल थिंकिंग बिकम्स मच मोर लॉजिकल ड्यूरिंग द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इट कैन ऑल्सो बी वेरी रिजिड। जो थिंकिंग है वो काफ़ी तर्कात्मक हो जाती है इस स्टेज में, काफ़ी लॉजिकल हो जाती है कॉन्क्रीट स्टेट के लिए, कॉन्क्रीट इवेंट्स के लिए, बट रिजिड भी बहुत रहती है, मतलब उनके लॉजिक को जल्दी चेंज करना मुश्किल है। किड्स एट दिस पॉइंट इन डेवलपमेंट टेंड टू स्ट्रगल विद एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स। जो किड्स हैं स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, वो एब्स्ट्रैक्ट या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो कि काल्पनिक है, जो वास्तविक नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में, वैसे चीज़ के बारे में डिसीजन मेकिंग करना या प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। वो केवल वैसे चीज़ों पे तर्क कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं जो कि कॉन्क्रीट है। किड्स इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑल्सो बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट देयर थॉट्स आर यूनिक टू देम एंड दैट नॉट एवरी वन एल्स नेसेसरली शेयर्स देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। इस स्टेज में जो किड्स हैं वो ये भी समझने लगते हैं कि जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो सभी की यूनिक होती हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई अपने थॉट्स या फीलिंग्स या ओपिनियन को शेयर करे। हम अब नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं जो कि हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। ये एडोलेसेंस से स्टार्ट होता है और एडल्टहुड तक रहता है। तो इसमें क्या है देखते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, एट दिस स्टेज द एडोलेसेंट और यंग एडल्ट बिगिन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड रीजन अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो एडोलेसेंट और जो यंग एडल्ट है वो एब्स्ट्रैक्टली सोचने लगता है, वो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को समझने लगता है, उसके बारे में सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है और सोल्यूशन निकालने में कामयाब भी हो जाता है। मतलब वो जो हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो काल्पनिक हैं, अगर उसके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ चल रही है, कुछ ऐसी उधेड़बुन चल रही है, तो वो उसको सोल्यूशन निकाल लेता है। वो ना कि केवल कॉन्क्रीट इवेंट्स के बारे में सोचता है बल्कि एब्स्ट्रैक्ट इवेंट के बारे में इजीली सोच लेता है और उसका डिसीजन मेकिंग करने में सफल होता है। जैसे यहाँ ये चाइल्ड ये सोच रहा है कि 2+2 4 है, 3+2 5 है, 4+2 7 है, तो ये माइंड में कैलकुलेशन कर ले रहा है। और अगर उसे बोला गया श्याम राम से बड़ा है और राम जो है वो मोहन से बड़ा है, तो चाइल्ड ये समझ जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा श्याम है, फिर राम है, फिर मोहन है। तो ये अपने माइंड में ऐसे कैलकुलेशंस चाइल्ड कर लेता है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए या हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए। एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स इमर्जेस, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स उसके अंदर आने लगते हैं। टीन्स बिगिन टू थिंक मोर अबाउट मोरल, फिलोसफिकल,
ethical, social and political issues that require the theoretical and abstract reasoning. जो चाइल्ड है हर तरीके से हर एस्पेक्ट्स के इश्यूज को प्रॉब्लम्स को समझने लगता है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की ज़रूरत है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ज़रूरत है, जो कि जैसे डिसीजन मेकिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, तो ये दिमाग से ये सब काम कर लेता है चाइल्ड. चाइल्ड बिगिन टू यूज डिडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम अ जनरल प्रिंसिपल टू अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल. एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसका. यहाँ पे जो चाइल्ड है वो डिडक्टिव लॉजिक यूज़ करने लगता है. तो डिडक्टिव लॉजिक का ये मतलब है कि उसके अंदर जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करके वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब होता है. तो डिडक्टिव लॉजिक और ये जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल का हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. एरिस्टोटल ने कहा है, ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है जो सारे व्यक्ति हैं वो नश्वर हैं और जो सोक्रेट है ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे. तो सोक्रेट वो एक व्यक्ति है, इसलिए ये कंक्लूजन निकाला गया जो सोक्रेट है वो भी मॉर्टल है. तो यहाँ पे ये जनरल टेंडेंसी थी कि ऑल मैन आर मॉर्टल और सोक्रेट जो है वो मैन है. तो ये दोनों चीज़ों को मिला के एक रिजल्ट निकाला गया कि सोक्रेट जो है वो मॉर्टल है, मतलब सोक्रेट जो है वो नश्वर है. At this point, people become capable of seeing multiple potential solutions to problems and think more scientifically about the world around them. इस स्टेज में जो पीपल है वो बहुत सारे पोटेंशियल्स देखता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखता है किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देता है किसी प्रॉब्लम का और एक वैज्ञानिक तरीके से वर्ल्ड को सोचने लगता है. द एबिलिटी टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड सिचुएशंस इज द की हॉलमार्क ऑफ द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ये इसका की वर्ड है, की हॉलमार्क है इस स्टेज का कि चिल्ड्रन चाइल्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्टली सोचने लगता है, लॉजिकली और एब्स्ट्रैक्टली. द एबिलिटी टू सिस्टमैटिकली प्लान फॉर द फ्यूचर एंड रीजन अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आर आल्सो क्रिटिकल एबिलिटीज दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस स्टेज. इस स्टेज में जो व्यक्ति है, जो चाइल्ड है, एडोलेसेंट, वो सिस्टमैटिक वे में अपने फ्यूचर को प्लान करने लगता है, एक ऑर्डरली मैनर में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने फ्यूचर को प्लान करने लगता है. और कुछ भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और हाइपोथेटिकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो काल्पनिक उसके मन में जो प्रॉब्लम चल रही है या जो कि जिसका रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका भी सोल्यूशन निकालने में वो कामयाब होता है. तो ये सारे हम सिम्टम्स देखते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इस फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में. अब आगे देखते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट प्याजे डिड नॉट व्यू चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस. दैट इज, किड्स डू नॉट जस्ट एड मोर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज एज दे गेट ओल्डर. इंस्टेड पाजे suggested that there is a qualitative change in how children think as they gradually progress through these four stages. तो यहाँ प्याजे का ये कहना है जो चाइल्ड का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, बौद्धिक विकास है, वो क्वांटिटेटिव नेचर नहीं है. अगर चाइल्ड बड़ा होता है तो हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें केवल इंफॉर्मेशन ऐड हुआ है या नॉलेज बढ़ी है उसकी, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो चाइल्ड है उसकी थिंकिंग में क्वालिटेटिव चेंजेस आया है,
नॉलेज भी बढ़ा है, इन्फॉर्मेशन भी बढ़ा है और उसकी थिंकिंग में क्वालिटेटिव चेंज आया है, वो अलग तरीके से सोचने लगा है, तो इसे हम क्वालिटेटिव इन नेचर कहते हैं। कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर नहीं है बल्कि क्वालिटेटिव इन नेचर है। अ चाइल्ड एट एज 7 डज नॉट जस्ट हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड देन ही डिड एट एज 2। There's a fundamental change in how he thinks about the world. जो 7-year-old child है, हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें information ज़्यादा है इसके पास और knowledge ज़्यादा है comparatively 2 साल के बच्चे से, बल्कि हम ये भी हमें कहना है कि वो जो 7-year-old child है वो different way में सोचता है, वो एक उसकी सोच में changes आता है, एक positive changes आता है comparatively 2-year-old kids। तो अब हम ये 4 stages को एक summarize way में देखते हैं। तो हमारा पहला stage था sensory motor stage, जो कि 0 से 2 year के बीच में था। इसमें क्या होता है, इसमें जो child है अपने sensations और movement को use करके learn करते हैं। और दूसरी most important बात ये थी कि इसमें object permanence की ability child में आ जाती है। अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है तो उसके माइंड में रहता है कि इस ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है। दूसरा स्टेज था हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 years के बीच में था। इसकी खासियत ये थी कि जो चाइल्ड है वो लैंग्वेज लर्न करने लगता है, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है और जो चाइल्ड है वो कंजर्वेशन की थिंकिंग है वो नहीं रहती है इसमें। अभी तक वो ये नहीं बता सकता है, ग्लास वाली बात थी कि जिस ग्लास में पानी का लेवल अधिक था, जो पतला था, चाइल्ड वो कहेगा कि उसमें पानी अधिक है, न कि उस ग्लास को कहेगा जो कि वाइडर और स्मॉल है, जबकि एक्चुअली दोनों ग्लास में पानी इक्वल है। तो चाइल्ड 2 aspects को एक बार में नहीं सोचता है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की खासियत है। और यहाँ चाइल्ड लॉजिकल वे में भी नहीं सोचता है, वो केवल सिंबॉलिकल वे में सोचता है और ऑब्जेक्ट्स को बताने के लिए वर्ड्स यूज़ करता है, सिंबल्स यूज़ करता है एट्सेट्रा। हमारा तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 to 12 years तक का होता है। इसमें जो चाइल्ड है वो लॉजिकली सोचने लगता है, बट केवल कॉन्क्रीट इवेंट्स के लिए सोचता है, एब्स्ट्रैक्ट इवेंट्स के लिए नहीं सोचता है। और जो कंजर्वेशन की थिंकिंग है उसके अंदर आ जाती है, वो एक साथ 2 aspects को देख सकता है, मतलब वो बता सकता है कि दोनों ग्लासेस में इक्वल वाटर है। और यहाँ पे जो चाइल्ड है वो इंडक्टिव लॉजिक लगाता है, मतलब स्पेसिफिक से जनरल प्रिंसिपल की ओर वो जाता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और हमारा लास्ट स्टेज है, 4th stage है, जो कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। ये स्टेज एडोलेसेंस से एडल्टहुड तक होता है। इसमें जो चाइल्ड है वो एब्स्ट्रैक्टली सोचने लगता है, वो किसी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में सोचता है, उसके बारे में सल्यूशन निकाल लेता है। और जो चाइल्ड है वो डिडक्टिव लॉजिक लगाता है, मतलब जनरलाइज प्रिंसिपल से स्पेसिफिक प्रिंसिपल की ओर जाता है। तो ये था हमारा 4 stages, हम आगे देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe the video if you like it.